हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेबी फ्रॉक, या इसे आप बेबी गाउन भी बोल सकते हो। इसे लॉन्ग बनाएंगे तो इसे सबसे पहले देखिए, हमने कपड़े को डबल लेयर कर लिया है, यानी कि टू लेयर में दो बर्थ। और अब इस कपड़े को हमें ऑरेंज में करना है इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए, ये हमारा यहाँ से इस तरीके से ऑरेंज में हो गया है। देखिए इसे आप ट्रायंगल शेप भी बोल सकते हैं। इस तरीके से हमने ये तीनों कपड़ा रख लिया है। तो सबसे पहले इस कपड़े को यहाँ से अलग कर देंगे। ये अलग है हमारा कपड़ा, सबसे पहले हमने अपना ये कपड़ा अलग कर लिया है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ से हमें आपकी जो भी मेजरमेंट हो उसके हिसाब से ले लें। हमें इसकी चौड़ाई रखनी है 28, तो यहाँ से 7.5 इंच लेंगे। देखिए यहाँ से हमारा 11 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा 11 होना चाहिए, तो अच्छे से इसकी फिटिंग आती है। अगर देखिए यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल बराबर लेते हैं तो ये एक स्टार कटेगा, लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा कर्व रखना है जो फ्रंट पीस की तरफ आएगा। तो यहाँ से हम इस तरीके से ही 7 इंच लेंगे, 7.5 इंच, 7.5 इंच। तो यहाँ से हमारा 9.5 और इधर से भी 9.5 है, इतना ही से रखेंगे। अब देखिए इस मार्क से नीचे हमारा 17 इंच है कपड़ा, तो 17 इंच पर ही हमें मार्क करना है इस तरीके से। ये पूरे में हमें 17 इंच पर मार्क कर लेना है। ठीक है, ये इस तरीके से इसमें पूरे में मार्क हो गया है 17-17 इंच पर। अब इसे कट करेंगे। अब इसके बाद इसे यहां से भी कट करेंगे। ये देखिए इसका घेरा कट हो चुका है, इस तरीके से इसमें काफी घेरा निकल के आया है। और अब इस पीस को यहां से भी अलग कर लेंगे। एक पीस हमारा बैक की तरफ जॉइंट होगा, एक फ्रंट की तरफ। ये देखिए ये हमारे दो पीस हैं। अब इसका टॉप कट करेंगे, इसे कट पीस है। अब देखिए इसके टॉप पीस के लिए हमने कपड़े को फोर लेयर में रख लिया है। कपड़ा हमने 7.5 इंच ही लिया, जितना वहां से उसका मेजरमेंट लिया है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ देखिए ये इसकी जो लेंथ ली है हमने 8 इंच, 8.5 ली है, थोड़ी सी सिलाई में दब जाएगी तो ये 7 इंच ही रह जाएगी। 1/2 इंच नीचे भी सिलाई में जाएगा और 1 इंच ऊपर से भी फोल्ड होगा, तो ये 7 इंच ही रह जाएगी। इसमें हमें ऊपर स्ट्रिप लगानी है, तो यहाँ से हमें सिर्फ बाजू के लिए देखिए आप जितनी बड़ी स्ट्रिप लगाना चाहें। यहाँ पर हमने 1 इंच पे मार्क करेंगे और 4 इंच ऊपर की तरफ निकाल देंगे, जो स्ट्रिप हमारी 4 इंच आएंगी। और आर्म होल समय इसके लेना है 5.5 इंच। तो यहां से हमें इस तरीके से इसकी गोलाई करनी है। तो देखिए इसमें हमें यहां से जो भी आपको मेजरमेंट रखना है उस हिसाब से रखें। हम 6 इंच से इस तरीके से इसमें गोलाई करेंगे। यहां से हल्की सी फिटिंग देंगे। देखिए इस तरीके से, ज्यादा नहीं है, इसमें हल्की सी गोलाई दी है हमने। अब देखिए इसकी कटिंग हो चुकी है, इसमें हमें गला वगैरह नहीं कट करना है, सिर्फ ऐसे ही रखना है और ये इस पार्ट के साथ जॉइंट होगा। यहां से इस तरीके से इस पार्ट के साथ जॉइंट होगा। और इसके लिए अब हमें दो स्ट्रिप कट करनी है। ये देखिए दो स्ट्रिप कट की है, 10 इंच जिनकी लंबाई है और 4-4.5 इंच इनकी चौड़ाई है। इस तरीके से इनकी सिलाई होगी। तो ये दो स्ट्रिप हमने
आर्म होल्स पे लगाने के लिए कट की है। इसके लिए हम लाइनिंग कट कर रहे हैं। ये जो बैक और फ्रंट पीस रहेगा इसके लिए हमने लाइनिंग कट कर ली है। अगर आपका कपड़ा वैसा है जो ये थोड़ा चुभना सा लग रहा है तो इसलिए इसमें लाइनिंग कट की है। वैसे तो काफ़ी भारी कपड़ा है, आपको ज़रूरत है तो लाइनिंग कट करें वरना कोई ज़रूरी भी नहीं है। अब देखिए हमने लाइनिंग के साथ सबसे पहले इसे सिलना है, तो इसको हमने उल्टा रखा है, पलट के सीधा हो जाएगा और इसे ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा भी सिलाई में दबाएंगे। इसी तरीके से हमें दूसरे पीस को भी तैयार करना है। यहाँ पर जहाँ पर हमने थोड़े थोड़े आर्म होल्स कट किए हैं वहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं और तब इसे पलट के सीधा करना है। अब देखिए अच्छे से हमने इसे सीधा कर लिया, इसके नोक वगैरह को भी सीधा कर लिया अच्छे से। अब इसके ऊपर यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है, तो सिलाई को यहाँ से देखिए हमें थोड़ा गैप दे के लगानी है ताकि ऐसा लगे जैसे कि हमने इसमें पाइपिंग लगाई है। इस तरीके से यहां से बराबर में लगा देंगे। इधर भी थोड़ा गैप देके लगाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरे पीस को भी तैयार करेंगे। देखिए दोनों पीस कर लिए हैं, उसके बाद इस स्ट्रिप को हमें उल्टी साइड से इस तरीके से रखना है और इसमें सिलाई लगानी है। अब इसे सीधा करना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको हमारा ये बेबी फ्रॉक एंड गाउन कैसा लगा है। तो ये देखिए इस तरीके से इसे हमने सीधा कर लिया है। इसी तरीके से हमें दूसरी स्टिप भी बना ली है, अब इसे ज्वाइंट करना है। अब देखिए स्टिप को ज्वाइंट करने से पहले इस पर मार्क करेंगे, तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये इसकी बंद की साइड है, ये खुले की साइड है, तो यहाँ अंदर की तरफ हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि ये बच्चे का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये सिर्फ 5 से 6 साल की लड़की के लिए है। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच छोड़ के मार्क किया है, बीच में हमें 2.5 इंच रखना है। मार्क को थोड़ा गहरा कर लेंगे और इसी के ऊपर हम इस दूसरे पीस को रखेंगे ताकि मार्क बिल्कुल बराबर में आ जाए। देखिए मार्क लग चुका है। अब इसके ऊपर हमें स्ट्रिप को सिलना है। स्ट्रिप को ज्यादा नहीं दबाएंगे, थोड़ा इस बिल्कुल इसके ऊपर ही हमें स्ट्रिप को सिलना है। यहां से इसे पक्का करके सिलेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरे स्ट्रिप को सिलना है, बिल्कुल इसके ऊपर ही रख के इतना ही दबाना है जितना कि हमने दूसरे को दबाया है। ये देखिए दोनों स्टेप इस पीस में लग चुकी है, अब दूसरे पीस में लगाएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर इनको भी सिलाई लगा लेंगे।
अब देखिए इसको हमने जॉइंट कर लिया है दोनों को। अब यहाँ पर हमें अपने स्कर्ट पार्ट को जॉइंट करना है। ये हमने सीधा रखा है और इसके ऊपर इसे अंदर की तरफ सीधी साइड होगी और ये उल्टी साइड से रखना है। अब देखिए हमने इसे थोड़ा थोड़ा दबा दिया था और फिटिंग के लिए भी कट किया है थोड़ा सा, तो ये इसका घेरा थोड़ा सा बड़ा है। छोटी छोटी प्लेटें डालनी है, 2 से 3 4 हमें, जितनी आपके में आए। छोटी छोटी प्लेटें लगा रहे हैं। इसी तरीके से हमें ये दूसरे पीस में भी जॉइंट करना है। देखिए इस तरीके से इस पीस में हमने इसे जॉइंट कर लिया है। अब दूसरे पीस में जॉइंट करेंगे। अब देखिए इसकी फिटिंग करनी है, अंदर की तरफ हमारी सीधी साइड है और इस तरीके से इसमें पूरे में सिलाई लगानी है हमें दोनों तरफ। इसकी फिटिंग करेंगे और फिटिंग आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से करें जितनी आप करना चाहती हैं। तरीके से हमें दूसरी साइड से भी फिटिंग करनी है। अब देखिए इसकी फिटिंग पूरी कर ली है हमने दोनों तरफ से। अब इसके बॉटम को फोल्ड करना है। यहाँ से देखिए पहला फोल्ड हम 1/2 इंच पे लेंगे, दूसरा फोल्ड भी 1/2 इंच पर ही लेंगे और पूरे बॉटम को फोल्ड करेंगे। आप इस तरीके से सिंपल कपड़े से, कुर्ती के किसी भी बचे हुए कपड़े से अपने घर में ही बेबी फ्रॉक अच्छे से बना सकते हो। ये पूरे बॉटम को हमें इसी तरीके से फोल्ड करना है। अब ये देखिए फ्रेंड पूरा फ्रॉक हमारा बनके कंप्लीट हो चुका है। ये किस तरीके से बनाया है हमने आपको बता दिया है। इसके ऊपर हमने ये पैच लगा दी है, ग्लू से चिपका दिया है इसको। ये बहुत ज़्यादा इस पर मिल है, इस वजह से देखिए इस पर सिलाई नहीं चलती, तो इसे हमने ग्लू से चिपकाया है। इस तरीके से पूरा बन के कम्प्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जुड़ दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।